नाजरीन आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज़। एसकेएम 91 न्यूज़ आपको पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदोद शाही नगर का है ये वाकया। जमीन के झगड़े को लेकर घर पर आग लगा दी देर रात 3:30 पर, जिसमें घर के तमाम गाड़ियां जलकर राख हो गए। इस हादसे में माली नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया से मुखातिब होते हुए सिराज उनीसा बेगम ने बताया कि इस जमीन के तनाजे की वजह से उनके दो लड़कों को जख्मी कर दिया गया और उन्होंने कहा कि उनके बेटों पर झूठे केसेस भी दर्ज किए गए। देखिए ये रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर राशिद की एक खास रिपोर्ट। पेश है एसकेएम 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद। मैं हूँ हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट एसकेएम 91 न्यूज। नाम सिराज, मेरा नाम सिराज उनीसा बेगम है। मेरे ज़मीन के बारे में मेरे दो लड़कों को मार के ज़ख्मी कर दिए। उन लोगों के ऊपर 307 ये दफ़े लगाए और जो सामने जो हमारे लड़कों को मारे उन लोगों को कोई नहीं, उन लोगों को छोड़ दे दिए। और ये पहाड़ी शरीफ पीएस जो है CI और SI इन लोग सब खामोश तमाशा देख रहे हैं इन लोग हमारा, हाँ कुछ एक्शन नहीं ले रही। और कमिश्नर साहब से उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि फौरी एक्शन लिए, हमारे जानों का धोखा है और गला दिए हमारा। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, लेडीज़ है, सिर्फ मेरा नवासा, पोतरा, बच्ची और बहू, मैं, मेरी भांजी, ये बस 4-5 लोग ही थे घर में। हम लेडीज़ है, सो देखिए वाकया हुआ। देखिए जब मेरा बच्चा खांस गर्मी के लिए हम ना विंडो खोल के रखे, विंडो में से धुआं अंदर आ रहा था, बच्चा बहुत सफ़ोकेट हो रहा था। देखे तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, वाइस के टुकड़े पूरे जल रहे थे, एक गाड़ी को भी आँच लग गई थी, वो दो बाइकें जल गए, जीप जल गई, बस जल गया। वो देख के हम ना जल्दी जल्दी अंदर चले गए, बाहर पूरे दरवाजे गर्म हो गए थे तो अंदर चले गए, डर के चले गए, तो वहाँ पर भी पूरा सफोकेशन हो रहा, कैसा कि करके बाहर निकल गए। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल का बच्चा एक है, 3 साल का बच्चा एक है, फिर हमारे सास है, मम्मी है, उनको क्या बोलते सो पैरों में दर्द है, चलने नहीं आता। इन ये बाजी भी क्या बोलते सो एकदम फेंट हो जा रहे थे सफोकेशन से। 3:30 हुआ ये, और डेढ़ नहीं जेंट्स नहीं थे कोई भी, हॉस्पिटल में एडमिट है ना, जगने की रात के दिन ये इंसिडेंट हुआ। हमारे देवर और मेरे शौहर है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है, शौहर को सर पे मार दिया, गनेटों से मारे, खून के उल्टियां हो रहे थे उनको, सीरियस है उन्होंने, स्टिचेस लगे। देवर को है कि पैरों पे मारे, कत्तों से मारे, पैरों पे पूरे क्रैक्स आ गए, शोल्डर बोन भी क्रैक हो गई उनकी, उन्होंने है कि उधर फ्रैक्चर के लिए है, उधर दोनों क्या बोलते जेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, खाली लेडीज है बोल के घर पे देख के फायदा उठा लिए। घर पे हमला आज हमला हुआ हम लोगों के ऊपर, हम लोग बाले बाल बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कुछ हो जाता तो कि कौन जिम्मेदार है। हम लोग तो पहाड़ी पुलिस से तो गुजारिश कर रहे हैं, हमारी हेल्प करिए प्लीज, छोटे बच्चों पे हम पे रहम खाइए, बस और कुछ भी नहीं। कोई एक्शन नहीं ले रहे, कम से कम औरत है बोल के तो थोड़ा तो ये करना, छोटे छोटे बच्चे देखो, ये बच्चे की हालत, छोटे छोटे बच्चे मालूम मौत के मुंह से बाहर निकले हम लोग। वो बच्चा तो एकदम छोटा, 1.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, सब अगर नहीं निकलते तो हम लोगों का हो गया था, पूरा मर जाते थे। देखो देखो अब हमारी यही गुजारिश है कि पुलिस वाले हमारी मदद करिए, कैसा भी करके, हमारी जानों को धोखा है, हमारी हेल्प करिए कैसा भी। ACP ये सब लोगों से। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश, मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है।
अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए मोहम्मदिया मंदी हाउस। तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादर बाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 970।